गुड इवनिंग, मैं हूं अरुण ज्योति शर्मा और आपका स्वागत करता हूं विजन नॉर्थ ईस्ट टीवी पे। तो चलिए आज देखते हैं दानिया का पोल खोल पार्ट टू। तो सबसे पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि उमरांसू पे बसे दानिया भारत सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर दो काम चलते हैं। पहला है बीसीएल माइंस जो 35 हेक्टेयर एरिया के अंदर बसा है और उससे निकलता है 1.5 मिलियन टन पर एनम लाइमस्टोन, और यही लाइमस्टोन यूज होता है 0.98 मिलियन टन पर एनम के क्लिंकर प्लांट जिसे चलाता है कैलकम सीमेंट इंडिया लिमिटेड। अब आपको ये जानना भी जरूरी है कि दालमिया भारत सीमेंट लिमिटेड एक नया लाइमस्टोन माइन खोल रहा है उमरांसू में, जिसका नाम है न्यू उमरांसू लाइमस्टोन माइन, जो 417 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है और उससे प्रोड्यूस होगा 7.7 मिलियन टन पर एनम ऑफ लाइमस्टोन। यही लाइमस्टोन को यूज करने के लिए दालमिया अपने 0.98 मिलियन टन पर एनम के क्लिंकर प्लांट को अपग्रेड करना चाहता है और उसे बनाना चाहता है 1.52 मिलियन पर एनम क्लिंकर प्लांट। इसके लिए 2021 के जून में दालमिया ने एनवायरमेंट क्लीयरेंस अप्लाई किया हुआ है। जो न्यू उमरांसू लाइमस्टोन माइन है 417 हेक्टेयर वाला, उसके लिए दालमिया ने काफी सालों से काम कर रहा है और दालमिया इसे जल्द ही शुरू करेगा। करंटली दालमिया बीसीएल माइंस जो 35 हेक्टेयर एरिया पे है उसे चला रहा है। माइंस को चलाने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, उसका नाम है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ये देखते रहता है कि एक कंपनी अपना माइंस को कैसे चला रहे हैं, और यही है दालमिया का पोल खोल नंबर वन कि दालमिया अपने माइंस को बहुत ही खराब तरीके से चलाता है और ये एक बहुत ही बड़ी चिंताजनक बात है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के वायलेशन लेटर्स कह रहे हैं। दालमिया को अभी तक अपने बीसीएल माइंस के लिए काफी सारे वायलेशन लेटर मिल चुके हैं। 2020 में उन्हें सबसे पहला वायलेशन लेटर मिला सितंबर में, जहां उन पे आरोप लगाया गया है कि वो अपने डेजिग्नेटेड माइनिंग एरिया से बाहर निकल चुके हैं। बात ऐसा होता है कि जब एक कंपनी अपना माइनिंग प्लान इशू करता है तो उस पे एक वो डायग्राम देता है जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये है दालमिया का बीसीएल माइंस का डायग्राम। तो इस वायलेशन में ये कहा गया है कि वो अपने वो उस एरिया से बाहर निकल चुके हैं और उस पे अपना माइनिंग डंप कर रहे हैं। और आप सभी को ये याद रखना चाहिए कि जो एरिया में वो एक्स्ट्रा निकल चुके हैं, जहाँ पे वो एक्स्ट्रा माइनिंग डंप कर रहे हैं, इससे बहुत सारे एनवायरमेंट प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि उस एरिया के लिए उन्हें परमिशन नहीं दिया गया है। उन्हें सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में माइनिंग करने के लिए ऑर्डर दिया गया है, पर वे नियम को तोड़ के अपने एरिया से बाहर निकल के माइनिंग कर रहे हैं। दालमिया को दूसरा वायलेशन लेटर मिला अक्टूबर 2020 में, जब सितंबर के वायलेशन को कंटिन्यू करते हुए दालमिया ने अपना रिप्लाई दिया। पर दालमिया के रिप्लाई पर आईबीएम ने सीधे तरीके से कहा कि वे अपने माइनिंग एरिया को छोड़ के साउथ साउथ ईस्टर्न एमएल एरिया पे 60-80 मीटर आगे बढ़ चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं उन्होंने कितना एक्स्ट्रा एरिया कब्जा कर लिया और उस पे वो माइनिंग डंप कर रहे थे। आप सभी को मैं ये फिर से बता दूं कि इससे बहुत बड़ा एनवायरमेंटल लॉस हो सकता है। ये बहुत बड़ा वायलेशन है क्योंकि वे अपने माइनिंग प्लान के विरोध एक अलग एरिया पे कैप्चर करके रखे हैं। उन्हें तीसरा वायलेशन लेटर मिला अक्टूबर 2020 पे, जब उनका माइनिंग रिव्यू प्लान गलती था और उन लोगों ने भेजा वाला कागज गलत बताया गया। तो आप समझ ही सकते हैं कि दालमिया अपने माइंस को चलाने में कितना सारा गड़बड़ी कर रहे हैं। वे माइनिंग प्लान से लेके माइनिंग रिव्यू तक गड़बड़ी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो बहुत पेपर वर्क में भी गंदगी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं दालमिया किस तरह से अपने बीसीएल माइंस को चला रहा है। इन सब को छोड़ के भी बीसीएल माइंस के अंदर और काफी वायलेशन होती है जिन्हें कभी पब्लिक के सामने नहीं बताया जाता। ऐसा ही वायलेशन ये है कि बीसीएल माइंस के अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं ओवरलोडिंग ऑफ ट्रक्स की वजह से, जिसके वजह से ड्राइवर्स और लेबर्स इंजर्ड हो जाते हैं। पर इन लोगों को कभी भी इंजरी के लिए या कभी कभी डेथ के लिए कुछ भी इन रिटर्न पैसा या सहायता नहीं मिलता है। तो आप समझ सकते हैं बीसीएल माइंस किस तरीके से चल रहा है। इतना सब गड़बड़ी करके भी दालमिया एक नया माइंस खोलना चाहता है जो 417 हेक्टेयर एरिया में फैला होगा। आप सोच ही सकते हैं जितना बड़ा एरिया उतने ही सारे वायलेशन और उतने ही सारे गड़बड़ियां। तो चलिए अब बात करते हैं 0.9 मिलियन टन पर एनम वाले दालमिया के क्लिंकर प्लान को। एट प्रेजेंट ये क्लिंकर प्लान बीसीएल माइंस से निकले हुए लाइमस्टोन को कोयला और हिलसैंड के साथ मिक्स करके क्लिंकर बनाता है, जिसे वो बाहरी जगह में सप्लाई करता है। अब इससे बीच फिर आता है एनवायरमेंट क्लियरेंस। दालमिया फिर अपने एनवायरमेंट क्लियरेंस पे लिखता है कि उनके 0.9 मिलियन टन पर एनम के क्लिंकर प्लांट में जो स्टोरेज फैसिलिटीज है वहां पे वो कोयला और हिलसैंड को पूरी अच्छी तरीके से ढक के रखता है और वहां एक पार्टिकुलर ड्रेन बना हुआ है ताकि कोयला और हिलसैंड का पानी हमारे वाटर रिसोर्स पे ना मिल पाए। पर जब भी आप 900 से पार करते हैं तो आप देख सकेंगे अपने लेफ्ट साइड पे कि दालमिया पूरी तरीके से इसका वायलेशन करते हुए पूरा कोयला ओपन ग्राउंड पे रखता है, हिलसैंड को भी ओपन ग्राउंड पे रखता है। इस ओपन ग्राउंड में ना कोई ड्रेनेज फैसिलिटीज है,
छूते हुए हम नेचुरल वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करता है। ये धीरे धीरे पॉल्यूशन लेवल को बढ़ाते रहेगा और हमारे वाटर बॉडीज का एसिडिटी लेवल बढ़ाते रहेगा। ये एक बहुत ही गलत बात हो रहा है क्योंकि एनवायरमेंट गाइडलाइंस एनवायरमेंट को बचाने के लिए बनाए हुए होते हैं और जिनको डालना हरासमेंट को हमें ना हमेशा मानना पड़ता है, पर वो अपने मनमर्जी करते हुए इन सभी नियमों को नहीं मान रहे हैं और कोयला को ओपन ग्राउंड में विदाउट कोई स्टोरेज, विदाउट कोई कवरिंग और विदाउट कोई ड्रेनेज सिस्टम उसे ओपन ग्राउंड पे स्टोर कर रहे हैं। इसका असर आपको और मुझे अभी दिखाई नहीं मिलेगा, पर इसका असर फ्यूचर में होगा। काफी सालों बाद ये पानी जो कंटिन्यूअसली, ये एसिडिक वाटर जो कंटिन्यूअसली उम्रोंसों के वाटर बॉडीज के साथ मिल रहा है, वो उम्रोंसों के वाटर बॉडीज को पूरी तरह से खत्म कर देगा और हम अपने फ्यूचर जनरेशन को एक पॉल्यूटेड एनवायरमेंट देने में मजबूर होंगे। तो बात यहाँ ये उठता है कि वो अपने एनवायरमेंट क्लियरेंस पे इतना गलत बात क्यों लिखते हैं। ये सीधी तरीके से एनवायरमेंट कॉम्प्लायंस का वायलेशन है जिसकी वजह से उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जाना चाहिए। अब आप इमेजिन करिए, ये 0.98 मिलियन टन पर एनम वाला क्लिंकर प्लांट 1.56 मिलियन टन पर एनम वाला क्लिंकर प्लांट बनने जा रहा है। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रॉ मेटेरियल का डिमांड भी बढ़ेगा, इससे क्या होगा कि वो और ज्यादा कोयला इम्पोर्ट करेंगे और अपने प्रेमाइस पे स्टोर करेंगे। ये कोयला को बहुत बड़ी बुरी तरीके से स्टोर करते हैं बिना कोई कवरिंग, जिसकी वजह से ये इजीली हमारे वाटर बॉडी से मिल जाएगा और उसे पॉल्यूट करते रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डालमिया को अपना काम रोक देना चाहिए, पर डालमिया को एटलीस्ट एनवायरमेंट कॉम्प्लायंस के साथ मानना चाहिए। एनवायरमेंट कॉम्प्लायंस एक रीजन के बजट बनाया जाता है ताकि डालमिया जहाँ पे काम कर रहा है वो एरिया सुरक्षित रहे, पर सीधी तरीके से डालमिया इन रेगुलेशन को वायलेट करते हुए, किसी को परवाह नहीं करते हुए उम्रोंसों को कंटिन्यूअसली पॉल्यूट करते जा रहा है। अभी अगर हम सब जागरूक नहीं हुए और इस पॉल्यूशन को नहीं रुकाया तो मार्क माय वर्ड्स, वी विल बी डिगिंग आवर ओन ग्रेव। द पब्लिक नीड्स टू वेक अप नाउ टू स्टॉप एन आउटसाइड कंपनी टू क्रिएट पॉल्यूशन इन उम्रोंसों। हम सभी को जागना होगा, पब्लिक को जागना होगा और इस पॉल्यूशन को रोकना पड़ेगा। डालमिया के 0.98 मिलियन टन पर एनम वाले क्लिंकर प्लांट में काफी लिमिटेड बिजनेस में कोयला सप्लाई करके पैसा कमा रहे हैं, पर आप सभी लोगों को भी ये याद रखना चाहिए डालमिया आने वाले 5 सालों में कोयला इंडेक्स 60% कमा लेगा और वो ऑल्टरनेट क्लीन के ऊपर भरोसा करेगा। तो आज आप पैसा कमा रहे हैं, पर आपको ये याद रखना चाहिए कि आप अपने बच्चों को एक काला उम्रोंसों